हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम आपको सोयाबीन की कोफ्ता बनाना बताएंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये कोफ्ता बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी हुआ था। मैंने भी इसे पहली बार बनाया था। आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी था। और आप लोग अपने बनाइएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स में बताइएगा कि सोयाबीन का कोफ्ता कैसा बना था। ये आसान तरीके से बन भी जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। इसके लिए मैंने सोयाबीन ले लिया था और उसको मैंने गुनगुने पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया था और सारा पानी मैंने इसका निचोड़ के निकाल दिया। उसके बाद मैंने ये बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है और ये हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, टमाटर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला कूट लिया है, लाल मिर्च पाउडर, ये भी लाल मिर्च, एक काश्मीरी लाल मिर्च था, एक नमक और ये कस्तूरी मेथी, और तड़के के लिए मैंने जीरा ले रखा है। अभी इसमें मैंने अदरक डाल दिया है मिक्सर में, लहसुन डाल दी, हरी मिर्च डाल दी और ये मैंने जो सोयाबीन को भिगो के रखा था वो भी मिक्सर में डाल दिया। उसको एकदम रुक रुक के पीसना है, बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा बड़ा ही पीसना है। फिर मैंने अलग से टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है और लहसुन डाल दिया। इसका अलग से पेस्ट बनाया है ग्रेवी के लिए। और ये जो मैंने बनाया था सोयाबीन का, उसमें हल्दी, नमक, प्याज ये सारा मिक्स कर लिया है उसमें। अब अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। अब मैंने 2 चम्मच लगभग बेसन डाल दिया है ताकि इसकी वेंडिंग अच्छे से हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको गोल गोल बॉल के जैसे बना लिया है, छोटे 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 बॉल बना के मुझे रखना है। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, जो मैंने बॉल बनाए थे वो डाल दिया मैंने कढ़ाई में। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक तेल में फ्राई करेंगे। ये मेरा लगभग हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेडपन में हो गया है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे खाने में भी और टेस्ट लग रहा था। इस तरह से मैंने सारे बॉल्स को बना लिया है कोफ्ते को। अब ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें जीरा, हींग, तेजपत्ता, ये प्याज जो बचा हुआ था और हींग भी डाल दिया। अब इसको भून लेंगे हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने तक। फिर उसमें मैंने ये टमाटर, प्याज का पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च का, लहसुन का, वो डाल दिया मैंने। और ये जो रंग बिरंगे मसाले दिख रहे हैं, नमक उमक लेके सारा एक साथ ही हम डाल देंगे। अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये मेरा मसाला हो गया है, लगभग तेल छोड़ दिया है, किनारे किनारे तेल छोड़ते तो पता चल जाता है कि मसाला भुन गया है अच्छे से। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी को थोड़ी देर तक मैं बॉयल करूँगी क्योंकि उसको मैंने जो कोफ्ता बनाया था थोड़ी देर में डालेंगे हम। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है। अब थोड़ी देर मैंने पानी को ढक दिया है और इसमें जो जितने पकौड़े थे बने हुए कोफ्ते वो डाल दिए मैंने ग्रेवी में। अब इसको हम एक खोले तक बनाएंगे। और ये देखिए मेरे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, सोयाबीन के कोफ्ते। अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।